हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एकता श्याम ऑफिशियल व्लॉग्स। सो गाइस, आई एकता वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और सुबह का टाइम है, मैं एकदम नहा के रेडी हूँ। मैंने सोचा कि दिन सुबह से क्या वर्क दिखाऊं, बिकॉज मैं आप लोगों से नहा के ही डायरेक्ट फ्रेश होके पूरे अच्छे से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और गाइज, मैं आपको आज बहुत बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो मेरे व्लॉग में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज है 27th of May और टुडे इज़ द डे ऑफ सैटरडे है आज। तो आज सैटरडे है गाइज, और आज 27th of May है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है। और मैं आज इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, इतनी हैप्पी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सारा कुछ बता देती हूँ मैं क्यों हैप्पी हूँ। और वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं क्यों हैप्पी हूँ और मेरे हैप्पीनेस का राज क्या है, और मेरे घर में आज कौन स्पेशल आने वाले हैं। और उनको मैं गेस्ट नहीं कह सकती हूँ, वो मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं। और बहुत बहुत इंतज़ार के बाद और बहुत टाइम के बाद मम्मी आ रही हैं, मेरी सासू माँ आ रही हैं आज। तो ये मेरी सासू माँ आ रही है, यस 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 यस, मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि पापा भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पापा को बहुत वर्क था घर पे, तो वो नहीं आ पाए। पापा बोले कि मैं 10 to 15 days लेटर आऊँगा। तो मम्मी आ रही हैं और पतिदेव गए हुए हैं मम्मी को लाने के लिए। तो आज मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं मम्मी को लाने के लिए। मिसेज नहा रही है और काफ़ी टाइम मम्मी बाद आ रही है, काफ़ी टाइम बाद मम्मी आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, जब भी मम्मी पापा आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और अभी मैं उनको लाता हूँ। तो मम्मी आ गई है, अब हम मम्मी को ले जा रहे हैं घर पे। बाल इतना उड़ जाता है। बाप रे, थक गई। खाना वाना कुछ नहीं बनाया मैंने अभी तक, बस अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मम्मी को ना कटहल की सब्जी बना के खिलाऊंगी, मैं अपने हाथों से कटहल की सब्जी बनाऊंगी। और मम्मी आ भी गई। वेट, मैं यहाँ कैमरा सेट कर देती हूँ, ठीक है? और मम्मी आ गई है घर, यहाँ मम्मी आ गई घर। और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट ही किए तुरंत। आ गई है घर, यहाँ मम्मी आ गई घर। और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट ही किए तुरंत। और मम्मी आ गई घर, ठीक जी है? मम्मी को रहना है 10 दिन 15 दिन, अब जितना दिन मम्मी को रखे क्या। चलिए, फिर थक गई होगी, पानी वानी देते हैं गाइस। चलिए, और अब चलते हैं मम्मी को पानी देने के लिए। मम्मी आई हैं तो पानी तो देंगे, पानी पीजिए। तो मम्मी आई है क्योंकि मम्मी को थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, और डॉक्टर से भी दिखाने के लिए आई है, और रहेगी भी मम्मी कि रहे ना, और डॉक्टर से भी दिखाने के लिए मम्मी आई हैं। तो देखते हैं, आज अगर होगा तो आज ही डॉक्टर से दिखा देंगे, क्योंकि मम्मी अभी कुछ खा पी के नहीं आई हैं, तो डॉक्टर से दिखा देंगे। और मिस्टर हैंडसम अभी बातें कर रहे हैं कि डॉक्टर से आज दिखाना है या कब दिखाना है। रेस्ट करूँ मम्मी, चाय बन बैठी। मम्मी लेके आई है बहुत सारा कुछ, जैसे कि दही दूध, जो कि घर से होता है, वो मेरे को बहुत स्पेशली चाहिए होता है। दही वगैरह मुझे बहुत पसंद है, घर का दही। और अभी मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी, बट पहले हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास अभी दिखाएं या ना दिखाएं। तो डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो चाय पी सकती है नहीं पी सकती है पता नहीं, पूछते हैं। तो चाय पी सकती है मम्मी, वही ना, हाँ चाय इसलिए बना देते हैं, चाय बनाते हैं गाइस। सो चाय बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ चाय को छाने के लिए न्यू कप में। और न्यू कप मैंने लिया था थोड़े दिन पहले, और इसको मैं अभी इसमें छानने वाली हूँ और फिर दूंगी मम्मी को। क्या हुआ? चाय
चाय बन गया। मैं भी चाय पीऊंगा। अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद मम्मी को दिखाने। उसके बाद मम्मी खाएगी तब तक एक घंटा में उनको खाना बनाने का समय मिल जाएगा। क्या बनाया खाना? कटहल का सब्जी। हाँ मम्मी की खाएगा मन करे। अब तो मम्मी यहाँ रहेगी तो मम्मी कहीं सुबह शाम रोटी रोटी सब्जी चावल दाल भुजिया सब्जी सब कुछ। क्या कटहल का सब्जी बनाएंगे? अभी एक घंटा लगेगा बनाने तब तक मम्मी डॉक्टर से दिखा रही है। उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, मुझे लंच में लगा के तब बनाएंगे। मम्मी को जहाँ उतारा था ड्राइवर वही खरीद थी, एक कदम ना आगे ना पीछे वेट कर रही थी। तो अब चल दिए है हम लोग। हम लोग नहीं, मैं चल दिया हूँ मम्मी को लेकर दिखाने के लिए। और दिखा के आते हैं, देखते हैं क्या है। मम्मी बहुत अस्वस्थ फील करती रहती है अपने आप। मम्मी को यहाँ से स्वस्थ बना के भेजेगी क्या मम्मी? यहाँ से तो बिल्कुल स्वस्थ बना के ही भेजना है। सो गाइज मम्मी जा चुकी है और पतिदेव अपने फ़ोन से भी क्लिप लेते हैं और मैं अपने फ़ोन से भी क्लिप लेती हूँ। तो बेसिकली अभी उस चाकू से ना कटहल कट नहीं रहा है। ये चाकू बेकार हो गया। इस चाकू में बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, शार्पनेस ख़त्म हो गई है। तो पतिदेव बोले हैं कि मैं मम्मी को दिखा के आऊँगा ना उधर से। ये चाकू ना इतना, मतलब यहाँ इतना ट्रैफिक हो जाता है ना कभी कभी, बहुत शोर आते रहता है। तो पतिदेव बोले कि मैं चाकू लेके ही आऊँगा तो मैं काटूँगी। और अभी मैं प्याज लहसुन वगैरह काट ली हूँ क्योंकि उसको रेडी कर लूँगी और जब चाकू लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी कट करके जल्दी जल्दी बना लेंगे क्योंकि मम्मी को ना भूख बहुत ज़्यादा लग गया होगा। और अभी चेकअप कराने गई है इसलिए कुछ खाई नहीं है। और 12 बज रहा है, आई थिंक 12 बज रहा होगा, नहीं 10:30 बज रहा है, सॉरी 10:30 बज रहा है। तो इसीलिए तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. सो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और कटहल तो मैंने कट कर लिया था। उसको कट करने में बहुत मेहनत लगा और कटहल को मैंने फ्राई भी कर लिया है। और यहाँ अभी ग्रेवी के लिए कुकर में ही, प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। मैं मम्मी के साथ इतना बातें कर रही थी मैं भूल ही गई कि मेरे को ब्लॉगिंग भी करना है। बट एनीवे अभी 12:30 बज रहा है तो आधे घंटे में बन जाएगा। उसके बाद फिर पतिदेव को कॉल करूंगी, पतिदेव भी फिर आएंगे ऑफिस से। और आई होप आप मेरा ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। और शाम को ना हम लोग छत पे जाएंगे, मैं और मम्मी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के साथ थोड़ा रील्स बनाया जाए। तो मैं अभी खाना वाना खा के शाम के समय में थोड़ा रेडी होके उसके बाद फिर छत पे जाऊँगी, फिर मैं और मम्मी रील्स बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो फाइनली कम्प्लीट हो गया है सारा का सारा खाना। अच्छा और मम्मी के लिए बनाए हैं। और पतिदेव तो ऑफिस चले गए दोबारा, लेकिन अभी आएंगे नहीं, थोड़ा देर में आएंगे, मे भी होगा तो शाम को आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मम्मी के लिए क्या बनाया है। आई होप मम्मी को पसंद आए। यहाँ है कटहल जो मैंने निकाल के रखा है, कितना टेस्टी लग रहा है ना इसमें है। और इसमें भी कटहल की सब्जी है। यहाँ ये फोफी है, इधर सैलड है, इधर चावल, इधर ये भुजिया सब कुछ है। अब लेके चलते हैं यहाँ मम्मी को देने के लिए। खा के बताएंगे मम्मी कैसा लग रहा है। पहला खाना भगवान के ना, पहला खाना भगवान के। तो वहाँ पहला खाना हमेशा मम्मी पापा भगवान जी को खिलाते हैं, उसके बाद मम्मी पापा खुद खाते हैं। खाइयो, जय भगवान की। नमक और लगते नमक ठीक छे तो चलिए। बहुत टेस्टी, टेस्टी छे। चलियो जल्दी जल्दी बना लियो सिंपल में, और मम्मी को पसंद आया काफी। 2000 years later. तो मैं तो ऑफिस से आ चुका हूँ और खाना भी रेडी है, और देख सकते हैं।
कटहल का सब्जी है, नहीं हाँ कटहल का सब्जी है, भिंडी का भुजिया है, और क्या है और आप दिखाइए, कटहल का सैलेड है, मैं ऊपर हाथ रही ना उसे, हाँ कटहल का सब्जी है, भिंडी का भुजिया है, सैलेड है, और ये फोफी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और राइस है, और पानी है, मैं जस्ट आया हूँ, बहुत टेस्टी दही, भी बहुत टेस्टी है, गांव से दही आया हुआ है, मम्मी तो खा ली है, अब मैं खाऊंगा फिर जाऊंगा, लंच के लिए आया था। मम्मी अब आई है तो अब तो रेगुलर वैरायटी ही बनेगा जितना मैक्सिमम हो सके। पापा को मिस कर रहे हैं, पापा आते तो और अच्छा लगता है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, वो दो चार दिन देखेंगे मम्मी का क्या चल रहा है यहाँ रुझान, मम्मी तो कितना खाते दाढ़ी चल रहा है, वो खुद आ जाएंगे फिर फिर आ जाएंगे कुछ, हम तो एज यूजुअल हम स्मार्ट तो लगते ही है। देखिए बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी, एसी से निकले और वहाँ से जो इतना मतलब दो चार मिनट का रास्ता है ऑफिस से रेसिडेंस का, एकदम यहाँ आए फिर ऊपर आगे ऊपर फैन चल रहा है, और ये है मम्मी का गांव वाला बना हुआ दही जो कि स्पेशली मेरे लिए आता है, यस आपके लिए नहीं मेरे लिए आता है, अब इसका कल कढ़ी पूरी बनाएंगे, फर्स्ट बाइट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनको खिलाता हूं, हां क्या एक मैं बताती हूं, जब भी खाना खाते हैं सबसे पहला बाइट मेरे को खिलाते हैं, उसके बाद चलिए स्टार्ट करें, बहुत भूख लगी है। और अब फाइनली कितना 3:30 बज रहा है, मैं आपको टाइम बताती हूँ, 2:30 बज रहा है, 3:30 ही बज रहा है, और टेस्टी बहुत ज्यादा टेस्टी है ना, टेस्टी से लग रहा है मटन बना है, मम्मी को भी बहुत टेस्टी लगा है ना मम्मी, और मुंह में पानी आ रहा है, पूछिए ना पहले मम्मी से कटहल काटने में कितना मेहनत लगा था, बहुत मेहनत लगा, कटहल भी कट रहा था, बहुत ज्यादा बहुत मेरी टेस्टी बहुत है, बहुत टेस्टी है, है। और मम्मी सब्जी उतना नहीं खाती है लेकिन मम्मी ये सब्जी बहुत खाई, बहुत कटोरा पूरा, स्टार्ट करते हैं, मुंह में पानी आ गया पूरा, देखिए और यहाँ मम्मी के हाथ से बना हुआ दही है, होममेड दही है, घर का दही है, और ये खा रहे हैं, कैसा लग रहा है, अच्छा है, टेस्टी है, मटन खा रहे हैं साक्षात मटन, चलिए मटन जैसे बनाए भी, मेहनत भी की मटन जैसे, इसलिए हम आगे मम्मी के प्लेट में देखे ना, हम जो आप दिखा रहे थे फोटो में दिखा रहे थे, नहीं मैं वीडियो कॉल पे दिखा रही थी आपको, बोले ना चलिए इसको मिस नहीं किया, हाँ तो इसको आप छोड़ के आप शाम को आते, स्टार्ट कीजिए। सो गाइज अभी शाम के हो रहे हैं 5:30 और मैं और मम्मी सो गए थे उसके बाद, और अभी उठे हैं 10 मिनट्स पहले, मैं और मम्मी बहुत अच्छी नींद ली है, मैंने फेस वेस एकदम फ्रेश कर लिया है, और अभी जा रहे हैं छत पे और थोड़ा मम्मी के साथ वीडियोस बनाऊंगी, और मम्मी को भी रेडी कर रही हूँ, मम्मी को बस कम्बाल वाल झाड़ना है तो रेडी कर रहे हैं, इसके बाद मैं और मम्मी जाएंगे छत पे, यहाँ मम्मी बैठी है। सो यहाँ पर मैं मम्मी का बाल बांध रही थी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मुझे और मेरी मम्मी को ना बहुत कम समय मिल पाता है, ऐसे हम लोग मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा, बट हाँ जब भी मम्मी आती हैं यहाँ हमारे पास तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और वो बहुत खुश भी रहती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं इयररिंग्स नहीं पहनी थी, तो मम्मी गुस्सा रही थी कि इयररिंग्स क्यों नहीं पहनी हो, तो गोल्ड का इयररिंग मैंने निकाला और उसके बाद मैं पहन रही हूँ और मम्मी से बातें भी कर रही हूँ। फाइनली आ गई हूँ छत पे, और धूप है अभी भी ज़्यादा, 6 बज रहे हैं फिर भी धूप है, थे छत पे से नीचे और थोड़ा बहुत एंजॉय किए छत पे, मिस्टर हैंडसम इज हियर और मिस्टर हैंडसम ऑफिस से आ चुके हैं, और मम्मी कर रही है रेस्ट और वो बातें कर रही है घर पे पापा से, क्योंकि पापा को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मम्मी के बिना, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा है तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना
पापा एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ उनका बहुत मन था यहाँ आने का, लेकिन पापा आएंगे थोड़े दिन के बाद, 10 to 15 days के बाद। तो सब्जी बना रहा हूँ और मिस्टर हैंडसम सब्जी नहीं बना रहे हैं, अब मेरी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसका एक फायदा है। क्या फायदा है? क्या, अगर मैं आता हूँ ऑफिस से और मैं सब्जी बनाता हूँ, इससे क्या होता है कि बीबी लोगों को क्या होता है, एक तो उनको लगता है कि हम एक घंटा उसको टाइम भी दिए, और दूसरा जिसको लगता है कि हमको पता चले हेल्प भी किए हैं, दो काम हो जाते हैं। तो अभी किचन में आए हैं, बर्तन मेरे को धोना है, और मेरे मिस्टर पतिदेव जो है थोड़ा सा ये ऐसे, हाँ मिस्टर जो पतिदेव है, पतिदेव सब्जी बनाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे वो, उसको हेल्प कर छिल रहे हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और हवा काफी ज्यादा अच्छा है ना, कितना नेचुरल हवा आ रहा है, बहुत नेचुरल हवा आ रहा है। और बातें नहीं करते, जल्दी जल्दी काम भी करते हैं, बिकॉज 8:30 बज गया है, मम्मी को भूख भी लग गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से बनाते हैं, बस रोटी बनाना है, बिकॉज खीर बनेगा उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। इधर मेरा चना घिवड़ा का सब्जी है ये, जो कि हो चुका है रेडी। और यहाँ मैंने मैंगो को पानी में डाल दिया है, क्योंकि खाने के समय में उसको फिर खाएंगे, बिकॉज पानी में डालने से ना गैस वैस नहीं बनता और थोड़ा अच्छा होता है। और पसीना आ रहा है, पसीना में इतना ग्लो, आई डोंट नो व्हाई। But yes, I hope you like my video, and if you're new to my channel, so please, please and please, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And so yeah, I will be back in next video, and बहुत अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। So इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा लाइक देना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। कहीं पे आपको कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर बताना कि हाँ मुझे आपका पार्ट इस ब्लॉग में, ये पार्ट बहुत अच्छा लगा है, सो मैं अप्रिशिएट करूँगी। और सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।